नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता ठाकुर, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉलिस्टिक मेडिसिन इंदौर से। अभी मैं आपको हमारे यहाँ जो भी पास्ट लाइफ के केसेस हुए हैं उनके बारे में बता रही हूँ। तो इसमें आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी कहानी लेके आई हूँ। कई बार हम ये बोलते हैं ना कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन नहीं, ये सच होता है। जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमारा पीछा करते हैं और वो हमारे साथ जरूर आते हैं, और उसी के कारण हमें इस जीवन में तकलीफें भोगनी पड़ती हैं। नेहा का जीवन ऐसा था कि वो कहीं भी अकेले जाने में डरती थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको ये होती थी कि जब वो कहीं पर भी मार्केट में जाती थी या कहीं कॉलेज में जाना या कहीं पर भी, चार पांच लड़कों को अगर वो एक साथ देखती थी तो वो बहुत बुरी तरह घबरा जाती थी। उसको समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, बहुत ज़्यादा उसको घबराहट रहती थी। तो उसने कभी भी कोई जॉब करने की नहीं सोची, कुछ करने का नहीं सोचा, क्योंकि उसको लगता था कि बाहर जाऊंगी तो लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और ग्रुप तो होते ही हैं, फिर वहाँ पे ग्रुप में लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, तो वो बहुत घबराती थी। तो इस कारण उसने कभी भी घर से बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन किस्मत का फेर देखिए, उसके पापा की डेथ हो गई। मम्मी बहुत परेशान, तो उनने कहा क्या किया जाए, जॉब तो करना पड़ेगा। तो एक स्कूल में जब इंटरव्यू देने के लिए गई, तो वहाँ पर भी जब बातचीत हो रही थी तो दो सर ऐसे पास में आके बैठ गए, तो इतना घबरा गई कि वहाँ से वो इंटरव्यू छोड़ के वापस आ गई। फिर उसने सोचा कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठीक है मानते हैं घबराहट सबको होती है नई चीज़ में, लेकिन उसको ऐसा क्यों होता है कि जहाँ वो दो चार लोगों को एक साथ देख लेती तो घबरा जाती है। तो फिर उसके लिए उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाने की सोचा, और उसके बाद वो हमारे इंस्टीट्यूट पर आई। जब उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की गई तो उसने अपनी छः लाइफ देखी एक साथ, छः लाइफ एक के बाद एक, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसने अपनी छः लाइफ देखी। और उस छः लाइफ में उसने ये देखा कि पहली लाइफ में वो एक बहुत ही ख़राब लड़का थी, मतलब जैसे कहते हैं गुंडे टाइप का, हर लड़की के साथ रिलेशन रखना, सबको परेशान करना इस टाइप का। और ऐसे कारण से उसकी दोस्ती, मतलब उस गंदे से लड़के की जो दोस्ती थी, वो उसके फ्रेंड की वाइफ से भी हो गई। जब उसके फ्रेंड को, उसके दोस्त को ये पता चला कि उसकी वाइफ और उसका दोस्त उसको मिल करके इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ, और उसने अपने फ्रेंड का मर्डर कर दिया। तो जब उसने उस व्यक्ति का, जो कि बहुत ही ख़राब नेचर का था, बहुत ही ख़राब चरित्र का था, उसका मर्डर कर दिया, उसके बाद नेहा ने फिर अगला जन्म देखा। तो अगले जन्म में वो एक लड़की बनी, और यहाँ पर इस लाइफ में उसके साथ रेप हुआ। फिर उसको लगा कि ये तो नॉर्मल जो भी है, कि मतलब मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई इस लाइफ में, जब उसके साथ रेप हुआ उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद उसने अपनी दो लाइफ नॉर्मल देखी, लेकिन फिर चौथी लाइफ जो उसने देखी अपनी, तो उसमें फिर वो लड़की थी और उसके साथ फिर वही गैंग रेप हुआ, और जिसमें वो बहुत बुरी तरह घायल होकर के और उसकी डेथ हुई थी। और जो उसकी लास्ट वाली जो लाइफ थी, उसमें उसने अपने आप को पहाड़ी से गिर करके मरते हुए देखा था। तो कहीं ना कहीं उसकी वो बुरी यादें उसका पीछा करती थी। उसको हमेशा यही लगता था कि कहीं ना कहीं जब भी वो कहीं जाएगी तो लोग उसके साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार करेंगे, इसी प्रकार से उसके साथ कुछ गलत होगा। यानी कि वो घबराहट उसके अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि वो अपने उस घबराहट से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो अपने डर के उस चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसका जो वर्तमान जीवन था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, वो सामान्य रह नहीं पा रही थी। तो इसके लिए उसने फिर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की, फिर उसके बाद उसने देखा कि अब वो अपने आप को रिलैक्स फील कर रही है, उसकी सारी बुरी यादों को उसके सबकॉन्शियस माइंड से मिटाया गया। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस में यादों की एक, कहते हैं ना कि यादों की एक छोटी सी पोटली जैसी होती है, जो कि लेकर के हम एक लाइफ से दूसरे लाइफ चलते रहते हैं, और हर लाइफ हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रायश्चित करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जब नेहा ने अपने इन चीज़ों के लिए प्रायश्चित करते हुए माफ़ी मांगी अपने पुराने बुरे कर्मों के लिए, और फिर उसने उसकी बुरी यादों को मिटाया गया, जब उसकी बुरी यादों को मिटाया गया और इस यूनिवर्स में उसने जब अपनी जो हम कहते हैं ना माफ़ी के लिए उसने छोड़ा, कि एक विचार छोड़ा कि मैं उन लोगों से सबसे माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें मेरे मन वचन या कर्म के द्वारा किसी भी कारण से तकलीफ पहुँची है, और उसके बाद उसने अपने आप को बहुत अधिक रिलैक्स महसूस किया, और रिलैक्स महसूस करके
उसने देखा कि अब उसके मन में ऐसा कोई डर कोई भय नहीं है, अब वो कहीं भी आती जाती है बहुत रिलैक्स होकर बात करती है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस से उसकी पुरानी सारी यादों को मिटा दिया गया था, उसकी सारी बुरी यादों को मिटा दिया गया था और उसके पास जो था वो सिर्फ एक अच्छा विचार था कि मुझे इस जीवन में इतना अच्छा करना है कि ताकि मेरा ये वर्तमान तो सुधरे, मेरे आगे का भविष्य भी सुधरे। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, लेकिन नहीं, इंसान अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेके जाता है। तो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि अगले जीवन में आप बहुत अच्छे से रहें सुख शांति के साथ। तो ऐसे कई लोग होंगे जो कि जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी को लेकर भटक रहे होंगे, जिन्हें ये भी पता नहीं रहता है कि वो क्या करें और क्या ना करें, उनके जीवन की समस्या का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए यदि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी ना किसी अंधेरे में भटकते हुए को एक रास्ता मिलेगा, उसके जीवन में नई रोशनी आएगी। तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।